रही थी, ये हो गया? तो बुरा सपना देख लिया क्या? उसने वो आग लग गई थी शादी के मंडप में, वो हवन कुंड के आग से हर जगह आग लगी थी और वहां हमारा गठबंधन भी जल गया था सुशीला। हंस क्यों रही है? मैं सही कह रही हूँ, कोई वैल्यू ना है तुझे। सुन मालिके, अगली बार जब तू बैड ड्रीम देख के उठेगी तो तेरे बगल में मैं नहीं, वो होगा। व्हाट कैन यू गिव मी टुडे गरिमा जी? तो इसीलिए बाबा सुशीला बंगाली की प्रवचन की पुड़िया रिकॉर्ड करके रख ले बाली के, क्योंकि जब भी तू दुख में होगी इसे सुन के अपना मन हल्का कर लेगी। ये कर रही है। बाबा के प्रवचन के बीच में बाधा मत डाल बाली के, और ध्यान से सुन। गरिमा सुशीला की लाइफ में जितना भी बुरा होना था हो लिया, उनकी लाइफ में जितनी भी बाधाएं आनी थी उनका कोटा पूरा हो चुका है। फिनिश, फिनी तो ए बुन के लाइफ में कुछ बुरा ना होगा। और फिर ये अगर प्रॉब्लम्स आ गई, समझो आ गई, तो हमेशा की तरह हैशटैग मिलकर देखेंगे। अरे यार, मैं अभी अभी तो मैं कैरेक्टर में घुसी थी और तूने ये खी-खी करके मेरा कंसंट्रेशन खराब कर दिया। अभी तो मैं वो तेरी सास की तरह आशीर्वाद भी देने वाली थी तुझे। सौभाग्यवती भव, मेरे सास के पीछे क्यों पड़ी है? अभी से टची हो रही है अपनी सास को लेके। क्यों ना हूँ, मेरी सास है, मेरी सास से मैं टची ना हूँ? हाँ रुक ना, मैं तेरी सास का मजाक बनाऊ तो? हाँ तो बोल ले ना, बोल ले बोल ले बोल ले, लेकिन कोई पॉइंट भी तो होना चाहिए। पॉइंट है कोई पॉइंट? अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगी कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू एक्सेप्ट कर दूं। उन्हें माफ कर दीजिए मनी जी। घर पहुंच के सबके सामने बात नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे डिस्कस कर लेते। ये हुआ ना, हो गई ना बोलती, पर लग गए ना ऑटो में बैंडेड। ना मतलब मेरी सास है ही ऐसी, सास कम से ऐसी ज्यादा है, कतई गेंट है। माय गॉड, क्या हो गया? तू इमोशनल क्यों हो रही है? अरे यार, इस शादी के एक हफ्ते पहले ये आंखों में वो नल फिट करवा दिया है क्या? बस रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है ना। मेरे हिस्से का भी खुद ही रोले ना। मैंने ना हनुमान जी से सेटिंग कर ली है कि सुशीला काटेला रोहेल सिर्फ लड़ बजाने के लिए पैदा हुई है, लोगों को रुलाने के लिए, खुद रोने के लिए नहीं। मेरी बहन तो हंसते हुए अच्छी लगती है, भगवान करे तेरे हिस्से का दुख भी मेरे नाम हो जाए। रे मम्मी जी, आप ऐसे छोटी छोटी तंग तंग सी गलियों में क्यों जाते हो? सीधा हाईवे क्यों नहीं पकड़ते? नवरात में जाने के लिए इतने पैसे खर्चने की क्या जरूरत है? ऊपर से राम जी और सीता जी को बीच में ले आई, वो अलग। नवरात में जाना है तो चली जाओ ना, ग्रह नक्षत्र बीच में लाने की क्या जरूरत है? रे मम्मी, आप इस गाँव की कर्ता धर्ता हो, आपसे कोई कुछ पूछने वाला है कि? वो तो इसलिए नहीं पूछते छोरी कि सबको पता है कोमल देवी जो करती है सोच समझ के, ठोक बजा के करती है, अपने उसूलों से समझौता नहीं करती। अरे बात फिर चाहे उसके बेटे की बरात में जाने की क्यों ना हो, है नहीं? लेकिन मम्मी। अरे बस, सवाल जवाब बंद कर, अब तैयारी कर जाने की। अरे छोरी, अपने भाई को मत बता दियो, उसे तो हम सरप्राइज देंगे, हैं? तो मुझे तो यूं लग रहा है मुझे देख के कहीं बावड़ा ही ना हो जाए, है नहीं? ओए! बजा।
उत्पो, हाँ? अरे तूने चेक किया कि नहीं भारत कहाँ तक पहुंची? हाँ की। अरे धर्मपाल, देखो भाई आज अदावत का दिन ना है, मेरी बेटियों के ब्याह का दिन है, तो इसलिए जरा हरा। हम भी तो यही कह रहे हैं धर्मपाल कि छोरियों का ब्याह है, और इसीलिए तो हम भी तो अपना फर्ज निभाने आए हैं। तूने हमारा साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ? ठीक है, आपस का झगड़ा एक तरफ, छोरियों का ब्याह एक तरफ। तो इसी बात पर गले मिलते हैं। जब गाड़ी सही पटरी पे आ जाती है ना, सब सही हो जाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।